करंट अफेयर्स फंडा। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का पार्ट टू देखेंगे। सो जो पार्ट वन था वो आपका वेरियस टाइप पे था और उसमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करा गया था। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इसे प्लेलिस्ट में जाके व्यू कर सकते हैं, देन आप पार्ट टू पर मूव करिएगा। एंड मैं आपको गारंटी देती हूँ कि रैंकिंग एंड ऑर्डर से इससे अलग क्वेश्चन जो है वो प्री लेवल में बिल्कुल भी नहीं बनेगा। जो आपके टॉपिक्स मैंने करवा दिए हैं फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में, इसी के अंदर आपका रैंकिंग एंड ऑर्डर के जो क्वेश्चन है वो आएंगे। सो आगे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन एंड यू कैन आस्क योर क्वाइरीज ऑन कैफ रीजनिंग एट द रेट याहू डॉट कॉम। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे क्वेश्चन जो भी मेल आते हैं उनको सभी का रिप्लाई दूँ, ज़्यादातर लोगों का रिप्लाई दूँ। एंड इसके बाद जो भी टॉपिक को आपको डिस्कस करना है उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने रैंकिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, मेरे पास मेल भी आए थे एंड उन मेल क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ पे इस वीडियो में ऐड करा है। सो वैसे ही मैं जो भी आप टॉपिक जो भी डिसाइड करते हैं उस टॉपिक को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बेसिक एंड एडवांस दोनों ही लेवल का लेके आऊँगी, राइट। सो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करूंगी कि मुझे किस टॉपिक को नेक्स्ट रखना है, राइट। सो बेसिकली हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे गिवन है सीता इज 26 फ्रॉम द राइट एंड। जो सीता है वो 26 है फ्रॉम द राइट एंड। तो यहाँ से अगर सीता आ रही है तो वो 26 नंबर पे है, ओके। एंड राम इज 30 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। और जो राम है वो यहाँ से आ रहा है तो वो कौन से नंबर पे आ रहा है, 30 नंबर पे आ रहा है, ओके। देन गिवन है गीता इज 8 टू द राइट ऑफ सीता। जो गीता है वो सीता के 8 टू द राइट है। अब 8 टू द राइट है यानी कि इस साइड में होगी, ओके। अब इस साइड में होगी और 8 टू द राइट है यानी कि आप इसमें से 8 को माइनस कर देंगे, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि सीता एंड गीता इनके बीच में कितने का गैप होगा, ये होगा 7% का गैप, 7% का गैप होगा और उसके बाद जो नंबर आएगा वो गीता का आएगा, राइट। सो आप देख सकते हैं कि अगर 26 में से आप 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 19, ओके। अब 19% जो है वो यहां तक आ रहे हैं यानी कि गीता का जो पर्सन है, सॉरी जो गीता है वो इन पर्सन के पीछे आ रही है, राइट। तो यहां तक जब 19% आ रहे हैं यानी कि जो गीता की पोजीशन है वो राइट एंड से कितनी होगी, 18 होगी, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। तो गिवन है एंड 16 फ्रॉम द राइट ऑफ राम। जो 16 है राम के राइट में है, राइट। तो राम के राइट में ये कौन से नंबर पे है, 16 नंबर पे है, ओके। सो आप देखेंगे यहां पे जो पोजीशन है वो हमें राम एंड गीता इन दोनों की मिल चुकी है और जो सीता है वो इनके बीच में आ गई है। यहाँ फाइंड करना है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। सो बेसिकली आप जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को निकालने के लिए हमें राइट एंड लेफ्ट के जो कॉर्नर में पर्सन होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है, ओके। और इनके बीच में कितने पर्सन होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली आप देखोगे कि जो राम है, राम के 16th राइट में क्या आ रही है, सीता आ रही है। अब 16th राइट में आ रही है यानी कि 16 नंबर पे आ रही है, यानी कि राम और गीता के बीच में कितने पर्सन है, 15% है। सो बेसिकली हमें हमारा जो पूरा डाटा है वो मिल चुका है। आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो राम तक कितने पर्सन है, 30% है, ओके। अब राम एंड गीता के बीच में कितने पर्सन आ रहे हैं, 15% आ रहे हैं। अब जो राम एंड गीता के बीच में जो 15% आ रहे हैं उन्हीं के बीच में कौन आ रही है, सीता आ रही है। सो हम सीता को अलग से काउंट नहीं करेंगे, ओके। एंड राम एंड गीता के बीच में यहाँ पे 15% आ रहे हैं तो उन 15 को लिख देंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो गीता की जो पोजीशन है वो कितनी थी, 18 थी। जब हमने इस गीता की पोजीशन राइट एंड से निकाली थी वो कितनी थी, 18 थी। सो यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, 18 कर देंगे, बिकॉज यहां तक जो पर्सन आ रहे हैं राइट एंड से होते हुए गीता तक वो कितने पर्सन आ रहे हैं, 18% आ रहे हैं। तो आप इनको ऐड करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 63। तो 63 होगा इसका करेक्ट आंसर। अब एक बार देखते हैं इसमें ओवरलैपिंग का केस। तो ओवरलैपिंग का केस जो है वो इसमें नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, मान लीजिए सीता जो है वो 26 नंबर पे है, ओके। एंड इसकी लेफ्ट में यानी कि इसके राइट में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 यहां पर कौन आ रही है, गीता आ रही है, राइट। जो कि कौन से नंबर पे है, 18वें नंबर पे है, ओके, राइट एंड से। अब आप देखोगे यहां पे जो राम है वो 13 फ्रॉम द लेफ्ट है। अगर आप देखोगे यहां पे ओवरलैपिंग कर भी रहा है, राइट, राम जो है वो यहां पर कहीं आ रहा है। सो यहां पे इन्होंने ये कंडीशन रखी है कि जो गीता है वो 16 टू द राइट ऑफ राम है, यानी कि राम की 16th टू द राइट है। अब 16 टू द राइट है इसका मतलब ये है कि यहां से लेकर राम तक कितने बीच का गैप आना चाहिए, 15 का गैप आना चाहिए। अब 15 का गैप आएगा तो ऑब्वियसली राम जो है वो इस साइड में आएगा, ओवरलैपिंग तो कर नहीं सकता ना, राइट। सो बेसिकली आप देखोगे कि यहां पे ओवरलैपिंग का केस जो है वो नहीं लगेगा, क्योंकि अगर राम जो है वो अगर इससे आगे चला जाता है तो यहां पे जो गीता है वो उसे कैसे आ जाएगी, लेफ्ट में हो जाएगी, जबकि हमको चाहिए गीता उसके राइट में, ओके। तो यहां पे जो है वो नॉर्मल केस लगेगा एंड जो करेक्ट आंसर है वो कैसे आएगा, वो आएगा आपका 63। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि दीपक इज 7 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। कि जो दीपक है वो 7th है फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ओके। एंड मधु इज 12 फ्रॉम द राइट एंड। जो मधु है वो 12 है फ्रॉम द राइट
एंड से. ओके, अब आप यहाँ पे मधु को एज अ गर्ल कंपेयर मतलब कंसिडर मत करिएगा, बिकॉज यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि ये गर्ल है या फिर बॉय है. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे कहीं भी गर्ल का नाम नहीं दिया गया, तो हम इसको एज अ बॉय ही कंसिडर करेंगे. देन गिवन है इफ दे इंटरचेंज दियर पोजिशन, अगर ये अपनी पोजिशन को इंटरचेंज कर लेते हैं, दीपक बिकम 22 फ्रॉम द लेफ्ट, तो जो दीपक है वो 22 हो जाएगा. सो बेसिकली ईजी सा क्वेश्चन बन गया. अब आप ईजी से इसका आंसर निकाल सकते हैं कि जब ये 22 बन गया है तो 22% यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन जब यहाँ पे पहले मधु था तो यहाँ पे इसका जो नंबर था वो 12 था, जिसका नंबर जो था वो 12 था, यानी कि इसके पीछे कितने पर्सन आएंगे, 11% होंगे, तो इसको हम ऐड कर देंगे. टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके 33. यानी कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द रो, सो देयर आर 33 बॉयज. ओके, आगे बढ़ते हैं. सो गिवन है देयर आर 3 पर्सन, अमित प्रकाश एंड विकास आर स्टैंडिंग इन अ क्यू, मतलब ये तीनों पर्सन जो है एक क्यू में खड़े हुए हैं. देयर आर 5 पर्सन बिटवीन अमित एंड प्रकाश एंड 8 पर्सन बिटवीन प्रकाश एंड विकास, यानी कि यहाँ पे जो आपके अमित एंड प्रकाश के बीच में जो पर्सन है वो कितने हैं, वो है आपके 5. एंड देखोगे आप तो पी यानी कि प्रकाश एंड विकास के बीच में जो पर्सन है वो कितने हैं, वो है यहाँ पे 8. देन यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है कि इफ देयर आर 3 पर्सन अहेड ऑफ विकास, यानी कि यहाँ पे विकास से आगे अगर 3 पर्सन है और 21 पर्सन है अमित के पीछे, देन वॉट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू, यानी कि मिनिमम पर्सन जो है नंबर कितने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे. सो बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे गिवन है कि विकास से 3 पर्सन आगे जो है वो पर्सन आएंगे और विकास जो है वो चौथे नंबर पे होगा, राइट. यानी कि जो विकास आएगा उससे 3 पर्सन जो है आगे होंगे, राइट. और विकास जो है वो चौथे नंबर पे आएगा, राइट. फिर गिवन है कि विकास एंड प्रकाश के बीच में 8 का गैप आएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो यहाँ पे 8 पर्सन का गैप आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रकाश आ जाएगा, राइट. सो बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे प्रकाश आ गया है, एंड देन गिवन है कि अमित एंड प्रकाश के बीच में 5 का गैप है. सो अमित एंड प्रकाश के बीच में जब 5 का गैप है, तो आप अमित को किस साइड में लोगे, आप अमित को इस साइड में भी ले सकते हो, आप अमित को इस साइड में भी ले सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे ये बोला है कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन चाहिए हमें. अब जब मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन चाहिए, तो अगर मैं अमित को इस साइड में लेती हूँ, तो आप देखोगे जो नंबर ऑफ पर्सन है वो बढ़ जाएंगे, राइट. क्योंकि आपको यहाँ पे डैश जो है वो ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, तो ये तो एकदम मतलब लॉजिकल है कि अगर आप अमित को इस साइड में लेते हो तो आपको डैश ज़्यादा बनाने पड़ेंगे. अब जब डैश ज़्यादा बनेंगे तो वो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन तो निकलेंगे नहीं. सो बेसिकली आप अमित को किस साइड लोगे, आप अमित को इस साइड में लोगे. सो आप यहाँ पे देखोगे कि 1, 2, 3, 4 एंड 5 का गैप दोगे, तो अमित कहां पर आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा. अब अमित के पीछे कितने लोग हैं, अमित के पीछे 21 लोग हैं जो कि यहां पे दे रखे हैं. अब आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं. सो बेसिकली आप देखोगे अमित के पीछे 21 लोग हैं, तो 21 आपका यहां पर आ जाएगा. उसके बाद वी एंड ए के बीच में कितने पर्सन आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, तो 2 लोग यहां पर आ जाएंगे. और वी के आगे कितने पर्सन आ रहे हैं, 3 पर्सन आ रहे हैं, सो 3 पर्सन यहां पर आ जाएंगे. एंड यहां पर आप देखोगे वी एंड ए ये हो गए आपके 2 पर्सन, तो आप 2 पर्सन इनको ऐड कर दोगे. अब आप मुझसे ये बोलोगे कि मैम आपने पी को क्यों नहीं लिया, आप यहाँ पे देखोगे कि ए के पीछे कितने कितने पर्सन आ रहे हैं, 21 पर्सन आ रहे हैं, और पी जो है वो 21 पर्सन के अंदर इंक्लूड हो रहा है, राइट. तो इसलिए हम यहाँ पे पी को काउंट नहीं करेंगे. तो अब आप इनको सबको काउंट कर सकते हो, तो कितने आ जाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 एंड 2, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे कितने आएंगे, 28. ओके, सो हियर इज अ फोर्थ क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय हिंदुस्तानी कुमार. ओके, इन्होंने मुझे मेल करा था, तो इस इनका जो क्वेश्चन है इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करके देखते हैं. काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये. सो बेसिकली यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो पास स्टूडेंट्स हैं उसमें जो नीतू है वो 22 है फ्रॉम द टॉप, यानी कि जो टॉप से जब आप काउंट करते हो जो नीतू है वो कौन से पोजिशन पर आ रही है, वो 22 पोजिशन पर आ रही है. एंड अर्पना हु इज 5 रैंक बिलो नीतू. ओके, सो जो अर्पना है वो 5 रैंक बिलो है, 5 रैंक बिलो है, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4, 4 का गैप देंगे, तो यहां पर जो पर्सन आएगा वो कौन होगी, यहां पे अर्पना होगी, राइट. ओके, उसके बाद ये भी किया रखा है कि इस 24 फ्रॉम द बॉटम. अब इस किसके लिए यूज करा है, इस यहाँ पे नीतू के लिए यूज नहीं करा है, इस यहाँ पे यूज करा है अर्पना के लिए. अर्पना जो कि 5 रैंक बिलो है नीतू से, इस 34 फ्रॉम द बॉटम, ये 34 है फ्रॉम द बॉटम, यानी कि यहाँ पे जो पोजीशन है इसकी जब बॉटम देखोगे अर्पना की, तो ये 34 आएगी. ओके, सो 34 आएगी. तो अभी हम इसको यहीं पे स्किप करते हैं और आगे का पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. गिवन है ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जामिनेशन में अपेयर हुए हैं. देन इफ द रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु पास इन द एग्जामिनेशन टू दोज हु फेल्ड 4:1 फॉर द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर इन अ क्लास. ओके, सो यानी कि जो फेल एंड पास का जो रेशियो है 4:1 का है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन को निकालना है. तो कोई भी इसमें मतलब इतना खास बात नहीं है कि जो यहाँ पे परेशान होने वाली बात है इस क्वेश्चन में. आप यहाँ पे पास निकाल लीजिए, फिर फेल एंड पास का आप रेशियो लगा दीजिए. तो आप यहाँ पे देखोगे जो नीतू है
वो आपकी टॉप से 22 है, और जो अर्पना है वो टॉप से कितनी है उसको आप निकाल सकते हो। टॉप से कितनी आ जाएगी, देखो 22 है, चार का गैप है, तो 23, 24, 25 एंड 26 यहाँ पे अर्पना आ जाएगी। तो अर्पना जो है वो टॉप से किस नंबर पे आ जाएगी, 27 पर आ जाएगी। ओके, अब अर्पना जो है वो टॉप से 27 नंबर पर आ रही है, और इसके नीचे कितने पर्सन है, तो आप देखोगे यहाँ पे जब इसकी रैंक जो है वो बॉटम से 34 आ रही है, बेसिकली इसके नीचे कितने पर्सन होंगे, 33 होंगे। सो हम ये 33 को ऐड कर देंगे, तो कितने पर्सन आ जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पर आ जाएंगे आपके 60%। ओके, 7 and 3 इज इक्वल टू 10 एंड 3 to 5 एंड 1 इज इक्वल टू 60। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे 60% आ जाएंगे। अभी 60% वो हैं जो कि पास हो चुके हैं, राइट। अब जो 60 है वो अगर 4 है तो यहाँ पे जो 1 है वो कितना होना चाहिए, तो आप यहाँ पे देखोगे जो 60 है वो अगर 4 है तो 1 कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए यहाँ पे 15। ओके, अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि 60 जो है वो पास वाले हैं, 15 जो है वो फेल वाले हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने होंगे, इनको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 75। ओके, सो ये होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर, राइट। देन आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो ये वेट वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके रैंकिंग एंड ऑर्डर में आते हैं, बट मैंने इन क्वेश्चंस को ज्यादा नहीं लिया क्योंकि क्वेश्चंस जो है ये बहुत ही इजी बन जाते हैं। सो बेसिकली एक क्वेश्चन के अंदर हम अपने कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं यहाँ पे। तो आप देखोगे कि बी एफ जे के एंड डब्ल्यू, ओके, ये 5% है। अब ये 5% जो है उनके डिफरेंट वेट है। देन गिवन है एफ इज हैवियर देन ओनली जे, ये जो ओनली वर्ड होता है ना इसका यहाँ पे बहुत ज्यादा रोल होता है। ओनली वर्ड के अकॉर्डिंग ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ पर्सन को यहाँ पे रखना है, किस पर्सन को कितनी पोजिशन देनी है, जो ओनली वर्ड होता है उस पर आप ध्यान दें। तो यहाँ पे गिवन है कि एफ इज हैवियर देन ओनली जे, जो एफ है वो खाली जे से बड़ा है, राइट। तो आप देखेंगे जब वो एफ जो है वो खाली जे से बड़ा है, यानी कि जे जो है वो सबसे लीस्ट नंबर पे आएगा, यानी कि 1 नंबर पे आएगा, जो एफ है वो 2 नंबर पे आएगा, इसके ऊपर जो आएगा वो 3 आएगा, देन आपका 4 आएगा और देन आपका 5 आएगा। या आप कह सकते हो कि जो जे है वो 1 किलो का होगा, तो 2 किलो का कौन होगा, एफ होगा, राइट। और बाकी के जो पर्सन है वो 3 4 5 किलो के, वो इससे ऊपर की तरफ आएंगे। देन गिवन है बी इज हैवियर देन एफ एंड डब्ल्यू बट नॉट एज हैवी एज के, यानी कि जो बी है वो एफ और डब्ल्यू से तो हैवी है लेकिन के से हैवी नहीं है, यानी के से हैवी नहीं है मतलब के जो है वो इससे हैवी होगा। सो हमें देखना है यहां पे हम बी को कहां पे बैठा सकते हो। तो आप देखोगे अगर मैं बी को यहां पे बैठाती हूं तो यहां पे ये गिवन है कि एफ और डब्ल्यू से बी कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो B है वो F से तो बड़ा हो जाएगा बट W के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। सो बेसिकली जो B है वो यहाँ पे नहीं आएगा। अब B यहाँ पे नहीं आएगा तो क्या B यहाँ पर आ सकता है? तो आप देखो कि B जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर वो जो F एंड W से बड़ा तो हो जाएगा, हम 4 एंड 3 नंबर पे W को तो दे देंगे बट हम इसके ऊपर K को नहीं दे पाएंगे, राइट। यानी कि ये सबसे कैसे हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। लेकिन जो B है वो यहाँ पे नहीं आएगा, B कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। अब आप कंडीशन देखोगे तो जो B है वो W एंड F दोनों से बड़ा है और K से कैसा हो जाएगा, छोटा आ जाएगा। तो यानी कि इसकी जो पोजीशन बनकर आएगी वो क्या बनकर आएगी, के बी डब्ल्यू एफ एंड जे, राइट। सबसे जो हैवी इंसान है वो कौन है, के होगा, उससे नीचे बी, देन डब्ल्यू, देन एफ एंड देन जे। ओके, ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज फॉर यू एज अ होमवर्क। आप इसको खुद से सॉल्व करिए। इसमें ओवरलैपिंग का केस लगता है तो ओवरलैपिंग का केस लगाइए, नॉर्मल केस लगता है तो नॉर्मल केस लगाइए, दोनों केस लगते हैं, दोनों केस लगा के आप आंसर दीजिए। मैंने इसमें ऑप्शन को इसलिए रखा है, इसलिए नहीं रखा है बिकॉज यहाँ पे जो ऑप्शन रखने के बाद जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। सो बेसिकली आप बिना क्वेश्चन के, बिना ऑप्शन के इन क्वेश्चन को ट्राई करिए। सो जब आपके पास ऑप्शन होंगे तो आप इजिली इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट। सो जो आपकी जो लेवल है एग्जाम का उसको थोड़ा सा हाई रखिए ताकि आप एग्जाम में जाके उसको कम टाइम में कर पाए, राइट। क्योंकि जो सर पे टाइमर चल रहा होता है ना वो एग्जाम को, एग्जाम का जो लेवल होता है वो लो होता है लेकिन उसको कैसे बना देता है, हार्ड बना देता है, राइट। क्योंकि उस अपने सर पे उस समय टाइमर लगा होता है। सो बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे जो अपना लेवल है उसको थोड़ा सा हाई रखो ताकि एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। ओके, सो यहाँ पर आप देखो इसका आंसर क्या होगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। सो बेसिकली जो पजल की सीरीज चल रही है उसको आप यहाँ पे जाके व्यू कर सकते हैं एंड अदर प्लेलिस्ट को भी आप यहाँ जाके व्यू कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।